हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी हमारी एम सी क्यूज बेस्ड जो कि अपकमिंग एग्जाम जो कि सोशल वेलफेयर वाला है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं तो वीडियो के वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए क्वेश्चन कह रहा है द टर्म सोशियस ड्राइव फ्राम विच लैंग्वेज जल्दी से बताएं इस सोशियस वर्ड कौन सी लैंग्वेज से निकला जर्मन लेटिन ग्रीक या फिर रोमन आई होप सब ने कर लिया होगा बहुत इजी क्वेश्चन था तो बी इसका आंसर होगा जो सोशियस वर्ड था ठीक है ये सोशियोलॉजी वर्ड था ये किस लैंग्वेज से निकला है लेटिन लैंग्वेज से याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सोशियस इन द वर्ड्स सोशियोलॉजी इस सोशियस का क्या मतलब होगा सोशियोलॉजी में जल्दी से बताइए सोशियस वर्ड का क्या मतलब होगा सोशियोलॉजी में कंपेनियन कलेक्शन ठीक है हर्ड या कॉन्शियसियस तो याद रखेंगे राइट right आंसर है इसका सी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है जल्दी से आंसर दीजिए तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है सोसाइटी जो है इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी क्या होता है एक वेब है सोशल रिलेशनशिप का हु गेव द अबो स्टेटमेंट ये अबो स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ी ये किस इंसान ने दी है इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से आंसर बताइए ठीक है ए है बी है सी है या डी है जल्दी से बताइए आई होप सब ने गैस कर लिया होगा तो राइट right आंसर है स्टूडेंट इसका सी सी इसका क्या रहेगा राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से आंसर दीजिए सोसाइटी मीन लाइकनेस वाज सेड बाय सोसाइटी मीन लाइकनेस ये किसने कहा था ठीक है इन सब में से किसने कहा था ए ने बी सी या डी इन चारों ऑप्शन में क्या इसका राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिए मैक्यूअर कोले स्पेंसर या से बताएं सोरकिन या कौन सा इनमें से चारों में से आंसर तो राइट आंसर है स्टूडेंट फर्स्ट मैक्यूअर इज द राइट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इस मैक्यूअर ने कहा था कि सोसाइटी मीन लाइकनेस होता है ठीक है याद रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे अगस्त कमिट वाज अ डैश सोशियोलॉजिस्ट कौन था फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश या फिर जर्मन जल्दी से कमेंट करें पांचवे का राइट आंसर आई होप सबने गेस कर लिया होगा तो इसका राइट राइट आंसर आंसर है ए फ्रेंच इज़ द फॉर दिस क्वेश्चन फ्रेंच था याद रखेंगे ठीक है फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट था जिसने गस्ट कमिट के बारे में कहा था ठीक है याद रखना हु सेट द मैन डैट मैन बाय अ नेचर इज अ सोशल एनिमल किसने कहा था कि मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है जल्दी से बताएं एरिस्टोटल कमिट स्पेंसर या दुर्खीम जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट right आंसर आई होप सब ने कर लिया होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो एरिस्टोटल ने कहा था ठीक है याद रखे एस के लिए राइट right आंसर होगा तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन का प्राइमरी क्या पर्पज है इकोनॉमिक प्रॉफिट ए ऑप्शन बी है पर्सनल इनरिचमेंट सी है सोशल इंट्रैक्शन और डी है अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स जल्दी से बताइए क्या इसका राइट right आंसर होगा सेवन के लिए तो इसका जो राइट right आंसर है वो है डी अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एट है हु क्लासिफाइड एसोसिएशन इन टू स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड किसने इसको क्लासिफाई किया था एसोसिएशन को स्पेशलाइज्ड और नॉन स्पेशलाइज्ड में जल्दी से बताइए ए बी सी या डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा मैक्यूअर पेज वेबर या एफ या गिल्स जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा चारों ऑप्शन में से आई होप सब कर लिया होगा तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नाइन जल्दी से आंसर दीजिए क्या कह रहा है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है वीबर क्लासिफाइड एसोसिएशन इनटू कम्युनिटी बेस्ड एंड डैश वीबर ने क्लासिफाई किया है एसोसिएशन को कम्युनिटी बेस्ड और किस में बायोलॉजिकल बेस्ड फिलमथ्रोपिस बेस्ड रिक्रिएशनल बेस्ड या फिर फेडरेशन बेस्ड जल्दी से बताएं क्या इसका राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का जल्दी से गेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए आंसर को आई होप सबने गेस गेस्ट कर लिया होगा तो इसका जो राइट right आंसर है स्टूडेंट वो है डी फेडरेशन बेस्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टेन रहा अकॉर्डिंग टू द होम मैन फॉलोड थ्री पाथ फॉर द फुलफिल हिज नीड्स किसके मुताबिक इंसान तीन पाथ इंसान को तीन पाथ फॉलो करने चाहिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इटोनिस e मैक्यूवर एंड पेज वीबर आर द अबो जल्दी से बताए क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है बी बी इसके लिए सही उत्तर रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर इलेवन बिल्कुल सामने है जल्दी से आंसर दीजिए थ्योरी इन चारों में से किस इंसान ने फोर्स थ्योरी दी थी एडवोर झिंक्स मैक्यूर मैरगन या स्पिनर स्पिन जल्दी से बताइए इलेवंथ का क्या सही आंसर होगा आई होप सबने ने कर लिया होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एडवर्ड झिंक्स इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हैज लीगल स्टेटस इन चारों में से किसका सोसाइटी में लीगल स्टेटस है <coughs> इन चारों में से किसका लीगल स्टेटस है क्या वो सोसाइटी है कम्युनिटी है एसोसिएशन है या बोथ ए एन बी चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए तो याद रखिए जो इसके लिए सही आंसर होगा वो है सी एसोसिएशन का लीगल स्टेटस होता है याद रखिएगा एसोसिएशन का लीगल स्टेटस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए कह द स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप इन सब में से स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप किसको कहा जाता है फैमिली विलेज कंट्री या स्टेट बहुत ही इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा गेस्ट लगाओगे तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा तो आई होप सबको पता होगा बहुत ही इजी है तो स्मॉलेस्ट सब में से कौन सा है फैमिली बाकी तो बड़ी ग्रुप है तो फैमिली इज द राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे सोसाइटी में सोसाइटी का क्या मतलब है जल्दी से बताइए वट व्हाट वट इज़ द सोसाइटी मीन जल्दी से बताइए सोसाइटी का क्या मतलब रहेगा सोसाइटी का मतलब क्या सोशल है रिलेशन है कंपेनशिप है है या ब्लड रिलेशन जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का राइट right आंसर क्या हो सकता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सोसाइटी का क्या मतलब है आई होप सबको पता होगा तो सी इज द राइट आंसर कंपेनियनशिप इज द राइट आंसर सी इसका सही उत्तर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतने रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ आई होप ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर करें लाइक करें कमेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो